हमारे जीवित संसार में भौतिक नियम हैं। जैसे सूरज अस्त होता है, चांद उगता है और तारे आकाश में टिमटिमाते हैं, धरती और ग्रह निरंतर परिक्रमा करते हैं, पानी झरनों में बहता है तब नदियां अंत में समुद्र में मिल जाती हैं। जब जाड़ा बीतता है तब बसंत आती है, उसके बाद फूल बहुतायत से खिलते हैं। जिस प्रकार प्रकृति में हम इन भौतिक नियमों को देखते हैं, उस प्रकार परमेश्वर के पास आध्यात्मिक नियम भी हैं, जो कि स्वर्ग, पृथ्वी और मानव जाति का सृजन करता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आपके जीवन के लिए एक अद्भुत योजना प्रदान करते हैं। फिर भी क्यों अधिकांश लोग भरे पूरे जीवन का अनुभव नहीं करते हैं? मनुष्य पापी है और परमेश्वर से अलग हो गया है, इसलिए परमेश्वर का प्रेम उसकी योजनाओं को न जान सकता है न अनुभव कर सकता है। मनुष्य को परमेश्वर की संगति में रहने के लिए बनाया गया था, किंतु उसकी हठधर्मी के कारण उसने स्वेच्छा से अपना रास्ता चुन लिया और परमेश्वर के साथ उसका संग टूट गया। ये स्वेच्छा विद्रोही स्वभाव या उपेक्षात्मक मनोभाव के रूप में प्रकट होती है, जिसे बाइबल पाप कहता है। यहाँ पाप अंतराल बनता है जो हमें परमेश्वर से अलग करता है। मनुष्य अपने प्रयासों के द्वारा निरंतर परमेश्वर और भरे पूरे जीवन तक पहुँचने का प्रयास कर रहा है, जैसे अच्छे कर्म, अच्छी जिंदगी, दर्शन और धर्म। किंतु इस खाई को पाटने का एक ही रास्ता है, यीशु मसीह। यीशु मसीह ही मनुष्य के पापों के लिए परमेश्वर द्वारा दिए गए एकमात्र प्रावधान हैं। अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे पापों की कीमत चुकाने हेतु हमारे बदले क्रूस पर प्राण देने के लिए भेजने के द्वारा परमेश्वर ने उस खाई को पाट दिया जो हमें उससे अलग करती थी। इसके बाद यीशु मुर्दों में से जी उठे। ये इस बात को दर्शाता है कि हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा है। किंतु इतना जानना ही काफी नहीं है। हमें व्यक्तिगत रूप से यीशु को अपने प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करना आवश्यक है। तब हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर के प्रेम और हमारे जीवन के लिए उसकी योजनाओं का अनुभव कर सकते हैं और जान सकते हैं। हम यीशु को व्यक्तिगत निमंत्रण द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। यीशु हमारे हृदय के द्वार खटखटा रहे हैं। जब हम उनकी आवाज को सुनकर द्वार खोलेंगे तो यीशु हमारे जीवन में आएंगे और हम उनके साथ संगति आरंभ कर सकते हैं। ये दो चक्र दो प्रकार के जीवन को दर्शाते हैं। बायां वृत्त अहम संचालित जीवन को दर्शाता है, अहम सिंहासन पर यीशु जीवन के बाहर। रुचियां अहम द्वारा संचालित होती हैं, इसलिए उसका परिणाम बहुधा कलह और निराशा होता है। दायां वृत्त यीशु द्वारा संचालित जीवन को दर्शाता है, यीशु जीवन के अंदर सिंहासन पर। अहम यीशु को समर्पित, इसका परिणाम परमेश्वर की योजनाओं के साथ तालमेल। इनमें से कौन सा वृत्त आपके जीवन को बेहतर प्रकट करता है? आप अपने जीवन को किस वृत्त के समान बनाना चाहते हैं? आप इसी वक्त यीशु को विश्वास की प्रार्थना द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। प्रार्थना परमेश्वर के साथ वार्तालाप है। परमेश्वर आपके मन को जानता है, इसलिए वो आपके शब्दों पर नहीं बल्कि आपके मनोभाव पर ध्यान देता है। विश्वास की निम्नलिखित प्रार्थना आपके लिए सुझाई गई है।
प्रभु यीशु, मुझे आपकी आवश्यकता है। मेरे पापों के लिए आपने क्रूस पर अपने प्राण दिए, इसके लिए धन्यवाद। मैं अपने जीवन का द्वार खोलकर आपको अपने प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करता हूँ। मेरे सारे पापों को क्षमा करने के लिए और मुझे अनंत जीवन देने के लिए आपको धन्यवाद। मेरे जीवन के सिंहासन पर अपना नियंत्रण रखें। जैसा मनुष्य आप मुझे बनाना चाहते हैं वैसा ही बनाएं। आमीन। क्या ये प्रार्थना आपके हृदय की इच्छा को प्रकट करती है? यदि हाँ, तो अभी आपको ये प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूं। यदि अपने हृदय से ईमानदारी से इस प्रार्थना को किया तो यीशु अभी आपके हृदय और आपके जीवन में है। आपके पाप क्षमा हो चुके हैं, आपको अनंत जीवन मिल चुका है और आप परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। परमेश्वर की संगति में बढ़ने के लिए एक अच्छे चर्च में संगति करना अति आवश्यक है। जैसे अनेक लकड़ियां मिलकर अच्छी तरह जलती हैं, लेकिन एक को अलग कर देने से आग बुझ जाती है, उसी प्रकार अन्य मसीहियों के साथ आपका संबंध अति आवश्यक है। आप नजदीक के किसी चर्च को कॉल करें और वहां जाएं जहां यीशु को आदर दिया जाता है और उसके वचनों का प्रचार किया जाता है। चर्च में अन्य मसीहियों के साथ रहते हुए आप यीशु के बारे में सीखेंगे और भरा पूरा जीवन जिएंगे जैसा कि परमेश्वर हमारे लिए चाहता है।